अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आप सबको जो है ईद का आज थर्ड डे, और थर्ड डे बहुत बहुत मुबारक हो। अभी हम लोग गाँव आए और आज जो है बस इधर गाँव का, अच्छा मेरा गाँव है हाथी मेरा, ठीक है, जो कि जो है वो मानसेरा में ही आता है, मानसेरा का एक विलेज है। क्या समझा रहे हैं? वालेकुम सलाम। कितना पुराना है कब्रिस्तान वगैरह, किसकी कब्र? अच्छा, और ये कब्रिस्तान जो है जिसमें अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, इधर जो है मेरा सारे एंसेस्टर्स जो हैं वो दफन है, उनकी कब्रें हैं। तो आए, मैं दिखाता हूँ, अभी बाबा लोग जो है ऑलरेडी इधर दुआ कर रहे हैं। वैसे यहाँ जो है वो दरख्त वगैरह हैं तो बहुत अच्छी हवा चल रही है। चलें यार, अभी चलते हैं, मैं जो है अपना बैग उठा लूँ। यार ये बैग आज मैं लैपटॉप साथ लाया हूँ, और ये भी मेरे लिए अलग से उठाना पड़ रहा है। असल में यार मेरा अभी जो है वो चांद रात कुछ वीडियोस बनाई थी, एक तो अपलोड की थी मैंने। यार उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अगर अभी आपने नहीं देखी तो जाके देख लें। और यार अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया आपने मेरा चैनल तो प्लीज़ जो है आप सब्सक्राइब भी कर लें। और दूसरी बात ये कि मूल ने काफ़ी अच्छी नात सुनाई थी, और उसे भी अभी आज इंशाल्लाह मैं अपलोड कर लूँगा। तभी लैपटॉप मैं साथ लेके घूम रहा हूँ कि अभी मुझे बस थोड़ा सा भी टाइम मिला, साथ साथ एडिट करके अपलोड भी कर लूँ। और मुझे कांटे लग गए अभी, ये मेरे बाबा जानी समझा रहे हैं सारी कब्रों का कि फोन है। और मानी कैसी गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है, रोजे आपने रखे नहीं है, अच्छी गुजर रही है, मजे मारे। अच्छा, और मज़े की बात है बाबू जी, नहीं हर दफ़ा जब भी हम इधर आते हैं सारी कब्रों का बताते हैं, और उसके बावजूद हम लोग जो है वो भूले हुए होते हैं कि कौन किसका है। अस्सलाम वालेकुम बाबू जी। अच्छा बाबू जी, नहीं और अच्छा अभी तक मैं बाबू जी को यार व्लॉग में नहीं ला सका हूँ, तो इधर मैंने व्लॉगिंग की ही नहीं है। तो ये मेरे बाबा हैं और देख लें कितने हैंडसम हैं। अब आपने, हाँ आपने ये बताना है कि मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ या बाबा ज़्यादा हैंडसम है, क्योंकि मैं बाबा से बहुत जेलस होते रहता हूँ, बाबा ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। अच्छा खैर बाबू जी, नहीं आप इस बार कोई टूर वगैरह नहीं हुआ अभी तक? ना मरी ना और कहीं मरी जाएंगे इंशाल्लाह। जब मैं हॉस्टल में होता हूँ तो ये घूमते फिरते रहते हैं, और जब मैं आता हूँ तो तब जो है कोई अता पता नहीं होता घूमने फिरने। ये बात ठीक नहीं है? नहीं अभी मरी जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अभी मरी जाएंगे यार, डन हो। अभी हम लोग इधर आ गए यार। अच्छा तो अभी जिस घर में हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ बेसिकली जो है वो वहाँ मेरे दादा अबू ने टाइम गुजारा है। उसके बाद जो है मेरे दादा अबू के छोटे भाई जो थे वो भी उधर ही थे। मैं आपको घर दिखाता हूँ, ये गलियाँ हैं यार इधर की, ये यहाँ के लोग हैं। अभी तो काफ़ी चेंज हो गया यार, पहले ये सही पुरानी हालत में था, लेकिन ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं ये वही है जो सालों पहले था। अच्छा गाइस, अगर आपको इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ गाँव की, क्या है ये जो है एक ज़ियारत है इधर, पता नहीं कोई वली थे अल्लाह के, उनकी ये ज़ियारत है ये वाली। तो ये जो तो बड़ा सा दरख्त नहीं लगा, तो यहाँ जो है ये था कि दीवार नहीं थी, और ये दीवार जो है ये मेरे नाना अबू ने बनाई थी खुद अपने हाथों से, और यहाँ बहुत टाइम तक उनका नाम भी लिखा हुआ था, पता नहीं नज़र मुझे कहीं नहीं आ रहा। ये देख सकते हैं आप, अभी इसमें नज़र नहीं आ रहा, पहले काफ़ी क्लियर था ये, अभी बाद में ये लोग जो है ऊपर पेंट वगैरह करते रहे दोबारा, तो शायद उस हिसाब से जो है ये वो हो गया। अच्छा तो गैस इधर से जो है ना इंटर होते हैं अंदर, और ये घर है यार काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, बिकॉज पहले जो है ना इधर एक बैठक होती थी मुझे याद है, इधर दरमियान में दरवाज़ा था, अभी तो काफ़ी चेंज हो गया, लेकिन फिर भी आपको जो है ना थोड़ा सा गांव वाला घर ये नज़र आएगा। चलें इधर से ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं। और हाँ ये मैं बताना चाह रहा था, ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि ये जो जगह है मतलब ये वाली जो छत है ये बिल्कुल अपनी मतलब ओरिजिनल आ रहा है। तो ये इधर मुझे नहीं याद कि कुछ और होता था, अभी ये चेंज हो गया, और हत्ता गया ये जो डिश है ये भी वैसी ही है जैसी थी, और ये इधर दीवार नहीं है बल्कि शटर्स लगा के ये जुगाड़ चलाया हुआ है तारों से बांधे हुए। तो यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं ये ज़मीन है थोड़ी सी इनकी, तो पहले कुछ अर्सा इधर वो भी करते रहे, आप सब्जियां वगैरह लगाई होती थी, अभी तो कुछ नहीं लगा हुआ है। और ये बकरियां भी हैं। अच्छा, और वो सामने जो एक बंद दुकान नज़र आ रही है ना, वो नाना दादा अबू की दुकान होती थी, तो दादा अबू मेरे लोहार हैं। ये जो है एक छोटी सी जगह बनाई हुई है जिधर गोदाम है, गोदाम ही कहूँगा इसको, ये चरपाई है जिधर हम शाम को तो बैठ सकते हैं, अभी नहीं बैठ सकते, लेकिन अक्सर जब भी मैं इधर आता हूँ ना इस वाली चरपाई में मैं गर्मी या सर्दी एक मिनट क्यों लेटता ज़रूर होता हूँ। तो अभी तो खैर गर्मी लेटा नहीं जा रहा,
अरे यार मुझे पता नहीं था बड़े पक्के पीटीआई वाले हम लोग तो चले खैर। और यार आप कुछ लोग गांव भी गए होंगे, अब मुझे तो मुझे मतलब अंदाजा नहीं है कि अगर मेरे दादा अबू होते दादी अम्मी जिंदा होते तो मैं आता गांव में तो मेरी क्या फीलिंग्स होती। और मैं सोचता भी होता हूँ कि मैं उनको मिस करता हूँ कि यार कैसी फीलिंग होती होंगी। तो आप में से अगर कोई अपने गांव गया हुआ है और आपके दादा अबू दादी अम्मी जिंदा है तो मेरी ऑडियंस में से प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि यार आप कैसा फील करते हैं जब जाते हैं। कोई भी चने चाय के लिए बुला रहे हैं फिर आगे। यार आई विल ट्राई कि मैं जो है वो ब्लॉग बनाऊं जिसमें मैं चला जाऊं आगे चक्की पर, वही जगह देखने की। सात रास्ते में थोड़ा पहाड़ियां वगैरह हैं और नेचर है, खेत हैं तो उधर तो वही चीज़ें गांव में देखने की होती हैं। लेकिन अभी शॉर्ट टाइम है यार, और भी जगहों पर मिलने जाना है। तो आपकी ईद कैसी गुजरी है? बफा जाना है बाबी ने? हाँ, इंशाल्लाह। बाकी ये देखें यार, यही हमारा गांव है, यहाँ खेत वगैरह हैं और इधर जो है हमने कहा जाते जाते जो है कुछ फल खा लें। और ये तूत है। अच्छा मैं कह रहा हूँ पता नहीं लगे हुए क्यों नहीं है दरख्त पे, और इस को देखें ज़रा इसने इतने सारे जमा कर लिए और हमें भी दे नहीं रहा ये। और ये देखें ये और भी तोड़ रहे सारे, ये सारे के सारे। अच्छा हम ये देखें खा पी के मज़ा आ गया, रेट भी भर गया और अभी चलते हैं। और गैस ये जो है ना ये दरिया सिरन है बाबू जी, नहीं इधर आते हैं ना यार किसी दिन। अच्छा तो मैं जो है इधर आया हूँ बफा अभी अपनी कज़न के घर, और वो इधर रहती हैं। तो इधर ये देखें मैं आपको भी बताता हूँ मिठो, ये बातें करता है, ये पूरा अस्सलाम वालेकुम भी बोलता है, लेकिन अभी इस टाइम पता नहीं क्यों नहीं बोल रहा, अभी तक ये शोर कर रहा था। अच्छा बच्चों आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है? अच्छी गुजरी है। क्या क्या किया है आज? बोरिंग गुजरी है मेरी तो, घर में बैठे हुए चल रही है कहीं तो इधर आप खेले ना, वो सारे बच्चे खेल रहे हैं। देखें वो पहले मैं जरा इसको यही बात बता रहा हूँ कुछ के क्या करना है क्या नहीं करना। तो प्लान बन रहा है बस, इन दोनों की अपनी दुनिया है भाई, इनका कोई जो है ना वो हमसे कोई रिलेशन नहीं है। व्यूअर्स को आप प्लान बनाएंगे सीक्रेट प्लान? अभी कह रहे थे कि अपनी दुनिया तो जहर, दुनिया में तो अपनी दुनिया में अलग प्लान होते हैं ना। तो हम दुनिया वालों को नहीं बताएंगे आप प्लान, दूसरी दुनिया वालों नहीं बताएंगे, आप ही बता दें यार कुछ तो शेयर करें क्या प्लान। शेयर करेंगे। अच्छा गाइस इस टाइम जो है मैं मौजूद हूँ बजरा में, जो कि ऑल्सो एक गांव है मानसरा का। और ये वाला जो घर है ना, यहाँ मेरा नाना अबू रहते थे यार, और नाना अबू मेरी नानी अम्मी के जो है ना वो भाई हैं थे, अल्लाह ताला उन्हें भी बख्शे। और यार इधर मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इधर आया था ये आपको भी बता, इधर जो है ना हम इधर से ऊपर जाते हैं, ये देखें पुराना है सब, यहाँ का गेट देखें, देखें लकड़ी के दरवाजे, ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में है। मतलब मैं 20 सालों से जो है बाबू जी, नहीं ये गेट कितना पुराना होगा तकरीबन, अब आप सामने आए गए तो मैं तो 20 सालों से यही गेट देख रहा हूँ सेम। ये तो तकरीबन 170-180 साल ओह। और ये घर अभी भी अपनी उस तरह ही ओरिजिनल हालत है, ये वायद वो घर, बाकी सारे अभी तक चेंज हो गए हैं। ये जो है मेन गेट है देखें। अच्छा यार आप लोग कैसे हैं? बाकी आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है? वालेकुम सलाम। अच्छा और रोज़ा कैसे गुजरे? करी साहब नमाज शमाज पढ़ाते हैं आप या वैसे ही टोपी पहनेंगे? माशाल्लाह यार ज़बरदस्त। और कौन सी क्लास में पहुँचे? ज़बरदस्त, चलो बेस्ट ऑफ लक। अच्छा अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा था, इधर इधर है मानिए आपको। अच्छा यार ये यहाँ ये छत है ना, अभी इस टाइम बहुत अंधेरा हो गया, रात हो गई तो नज़र नहीं आ रहा, और ऑफ कोर्स मिट्टी का सब बना हुआ है। ये यहाँ पर आपको नज़र आएगा तंदूर, अब अभी इधर सामान वगैरह पड़े। यहाँ मुझे याद है जब मैं छोटा सा होता था तो जब भी मैं आता था तो जब भी नानो जो मेरी होती थी ना वो इधर रोटियाँ बनाती थी,
मुझे तंदूर की रोटी बड़ी पसंद थी और मेरे लिए डिफरेंट भी था कि तब सिटी में तो इतना मतलब इस तरह के तंदूरों का घर पे नहीं होता रवाज, तो गांव में ही होता है। उनकी रोटियां मुझे बहुत पसंद है। ये इधर से व्यू भी देख सकते हैं कैमरा में, खैर इतना अच्छा नहीं आ रहा है, सबके घर हैं। चले यार अभी वापस नीचे चले जाते हैं। इसका मैं आपको बता रहा था, ये खिड़की है जो कि पड़ोसियों के घर की है। तो पहले इतना मतलब आपस में जो है इनकी इंट्रैक्शन होती थी पड़ोसियों की, इस तरह की खिड़कियाँ आपको बहुत सारे घरों में नजर आएंगी, इवन मेरे घर में भी है। क्या बाबा जानी, जाने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है व्लॉग के लिए। इस जगह से, इस घर से रिलेटेड कोई एक मेमोरी आपकी जो आपको याद अभी भी होती हो? बेटा इधर जो है ना, हमारे जो मामू थे ना, मामू जो होते थे तो वो जो है वो ये लोहे 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 का काम करते थे, लोहे की चीज़ें बनाया करते थे। अच्छा। हम जब आते थे इधर तो उनके पास बैठ जाते, उन्होंने भट्टी बनाई होती थी अपनी और उससे लोहे की चीज़ें बनाते थे। अच्छा। वो हमें याद है। ओके सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू लाइक द व्लॉग। और यार अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और यार शेयर भी करें वीडियो को जितना हो सके, जो है अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करें। और आपकी सपोर्ट यार मींस अ लॉट यार। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।